दिस इज़ हनी है एंड वेलकम टू माय चैनल हनी का किचन। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल बटन ऑल्सो, ताकि आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें। टुडे आई एम शेयरिंग द रेसिपी ऑफ बेकरी स्टाइल पिज्ज़ा, वेरी सिंपल एंड विद वेरी लेस इन्ग्रीडियंट्स। आई एम प्रिपेयरिंग इट ऑन पैन, ऑन तवा यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर इट। सो लेट्स स्टार्ट अवर रेसिपी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेक 1 teaspoon yeast, ड्राई yeast है। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से कि डिसॉल्व हो जाए वाटर में। यहाँ से डो के लिए मैंने इधर 2 cups ऑल पर्पस फ्लोर यानी मैदा लिया है। इसमें आई विल ऐड 3 to 4 spoon पाउडर मिल्क। बिलीव मी, पाउडर मिल्क जब आप डो में डालते हैं तो ये एक अलग ही टेस्ट, एक अलग ही यूनिक सा, डिफरेंट सा टेस्ट उसे डो को देते हैं हमारे। देन आई विल ऐड 1 spoon शुगर, 1 spoon salt, 2 spoon oil, you can add butter or ghee also in it, then yeast जो हमने पानी में डिसॉल्व की रखी थी वो हम इसमें ऐड करेंगे जी। अभी हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब हमने इसे लुकवॉर्म वाटर के साथ नीट करना है। स्लो स्लो हम वाटर इसमें ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। आप वाटर की जगह मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ वाटर यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से हमने इसको भूनते जाना है और हमने वाटर साथ साथ जितना रिक्वायर्ड हो उसे हमें करते जाना है इस तरह से। पिज्जे को स्पून की मदद से अच्छे से नीट करके मैंने हैंड में ऑयल लगा के इस तरह से इसको सेट कर दिया, इसके ऊपर लगा दिए और इसको कवर करके हम रूम टेम्परेचर पे 2 hours का टाइम देंगे राइस होने का। जब तक हमारा डो राइस होने के लिए रखा है हम टाइम वेस्ट नहीं करते और हम उस टाइम तक अपना चिकन प्रिपेयर कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं चिकन की प्रिपरेशन। स्टव मैंने ऑन कर दिया, स्टव पे रखा है एक पैन गर्म होने के लिए। इस पर मैं 2 to 3 spoon ऑयल डालूँगी। ऑयल में 1 spoon जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे और इसे हल्के हल्के से भून लेंगे। आफ्टर दिस वी विल ऐड 2 medium size फाइनली चॉप्ड अनियन एंड फ्राई इट अंटिल इट विल गेट वाइट कलर। अनियन वाइट हो गई है, देन वी विल पुट चिकन। इसे मैंने क्यूब्स में कर लिए हैं, 1 ball चिकन है ये। इसको हम वी विल फ्राई इट अंटिल इट विल आल्सो गेट वाइट एंड फ्राई प्रॉपरली। चिकन इज कम्प्लीटली वाइट नाउ। नाउ आई विल ऐड 1 teaspoon ऑल पर्पस फ्लोर मैदा और इसे हम अच्छे से भून लेंगे। अच्छे से ताकि इसका कच्चापन निकल जाए, ये अच्छे से भून जाए। आफ्टर मैदा वी विल ऐड 1/2 spoon सॉल्ट, 1 spoon ब्लैक पेपर पाउडर एंड 1 spoon कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर
and after that soya sauce 1 spoon and mix it properly. And in the last I will add half glass or half cup of milk in it and cook until milk will get dry and chicken will cook properly in low to medium flame. Continuously इसे चलाते जाने until कि ये dry हो जाए और इसमें half teaspoon oregano add करेंगे अच्छे से flavor और खुशबू के लिए. ये देखें अच्छे से dry हो गई है ये और chicken भी हमारी बिल्कुल ready हो गई है. बिल्कुल इसने पैन को छोड़ दिया है तो मैं स्टफ करने लगी हूँ ऑफ और इसको मैं इस तरह से करके चिकन की बॉडियों को मैश कर लूँगी, तोड़ लूँगी इस तरह से ताकि पिज्जे में हम हर लूज के साथ इसे एंजॉय कर सकें. तो इस तरह से करके हम इसे मैश कर लेंगे और उसके बाद इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे. हमारा जो मैदा था वो अच्छे से राइज हो गया था तो मैं इसे पंचेस कर रही हूँ. थोड़े से पंचेस करके हम इसे सेट कर लेंगे इस तरह से. जी मैं आपको बता दूँ कि टॉपिंग किस तरह करनी है अपने बेकरी पिज़्ज़े की. यहाँ पे हमने कैप्सिकम को इस तरह से कट करके और टमाटोज़ को इस तरह से कट करके रखा है. आप चाहें तो आप अनियन भी डाल सकते हैं. मुझे बेकरी आइटम्स में जंक फूड्स में अनियन बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं अनियन भी डाल रही हूँ. चिकन हमारा रेडी है. यहाँ पे बेकरी पिज़्ज़ा में हमने टमाटो केचप यूज़ करना होता है, पिज़्ज़ा सॉस यूज़ नहीं होता. एक एग अच्छा सा बीट कर लिया है और यहाँ पे चैटर चीज़ है, हमने चैटर चीज़ यूज़ करना है, मोज़रेला चीज़ यूज़ नहीं होता. तो इन सब चीज़ों को यूज़ करेंगे टॉपिंग के लिए. अब हम अपने पिज़्ज़े की बिलाई करते हैं. हमने जिस पैन में पिज़्ज़ा बनाना है हम उसको ऑयल से ब्रश कर लें या किसी भी तरह से आप उसे ग्रीस कर लें. तो हम इसे ग्रीस कर लेंगे अच्छे से. अब अपनी वर्किंग सरफेस पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे. हमारा आटा ये जो हमने डो बना के रखी थी, हमने 2 पिज़्ज़ा रेडी करने हैं इसलिए मैं इसे हाफ कट कर लेती हूँ. हम अच्छा से एक टाइट सा पेड़ अपना लेंगे. इस तरह से और इसकी सिलाई स्टार्ट करेंगे. हमारा जो रोटी अच्छे से प्रॉपर बेली गई है अब हम इसे फोक कर लेंगे. कॉर्नर्स स्पेशली इसे फोक कर लेंगे और इस तरह से बेलन की मदद से हम इसे रोल करके बहुत इजीली ये जो हमने पैन ग्रीस करके रखा है इस पर स्प्रेड कर देंगे. ये देखें कितनी इजीली हो जाता है, ना वो बढ़ता है ना कुछ. अब हम इसके कॉर्नर्स को इस तरह से फिंगर से करके मोटे कर लेंगे. इस तरह से फिंगर करके सबसे पहले हम केचप अप्लाई कर लेंगे इस पर अच्छे से. After applying the ketchup, sprinkle cheddar cheese. बहुत थोड़ी क्वांटिटी में. उसके बाद जो चिकन हमने रेडी किया है वो भर भर के
हमने चिकन डाल दिया है, बेकरी वाले इतना भर के नहीं डालते हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी से क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद चेडर चीज़, इसके बाद हमने कैप्सिकम, इस तरह से टमाटोज, टमाटोज और अनियन भी हम स्प्रिंकल कर देंगे। आप अनियंस को स्किप भी कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। इस तरह से, और उसके बाद हम इस पे एग अप्लाई करेंगे। आप ब्रश भी कर सकते हैं, मैं इस तरह से अप्लाई कर रही हूँ। तरह से इसके कॉर्नर्स पे, स्पेशली साइड्स पे एग अप्लाई कर देंगे। अब मैंने पैन को उठा के स्टफ पे रख दिया है। स्टफ हम कर देते हैं ऑन, और लो टू मीडियम फ्लेम में हम इसे कवर करके 20 मिनट कुक करेंगे, अनटिल के हमारा नीचे से पिज़्ज़ा प्रॉपर रेड कलर में आ जाए और हमारी जो चीज़ है वो बबली सी हो जाए। तो हमने 20 मिनट्स इसे देने हैं कवर करके, और साथ ही मैं दूसरा पिज़्ज़ा भी रेडी कर लूँगी। ये देखें, वेपर्स आने शुरू हो गए और हमारी चीज़ हमें अंदर से नज़र आ रही है कि बबली बबली सी हो गई है। तो हमने स्टव अब ऑफ कर देना है और इसको डिश आउट करना है। हमारा बेकरी स्टाइल पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है, तो इसे प्लेट में करते हैं। ये देखें क्या ज़बरदस्त ये रेडी हुआ है, फुल क्रस्ट में आपको दिखाती हूँ। बैक साइड से भी परफेक्ट कलर आया है और बिल्कुल ये रेडी हो गया है। तो चलें इसे कट करते हैं। जी पिज़्ज़ा हमने कट कर लिए हैं, और ये देखें ज़बरदस्त सा हमारा बेकरी स्टाइल पिज़्ज़ा रेडी हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिंग के साथ, ज़बरदस्त। जी फ्रेंड्स, हमारा बेकरी स्टाइल पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है, और आप देख सकते हैं कितनी इजीली फास्ट ये रेडी हो गया है। तो ज़रूर ट्राई करें, दिस इज़ अ मस्ट ट्राई रेसिपी। ट्राई इट इफ़ यू लाइक दिस रेसिपी, लाइक दिस वीडियो, गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ट्राई करें, इंजॉय करें, और मेक योर कुकिंग ईजी एंड टेस्टी विद मी, एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।